हाय गाइस, वेलकम टू एच एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ऐदर और। ऐदर और का मतलब होता है या तो या। हिंदी सेंटेंस में जब ऐसे शब्द आते हैं और हिंदी सेंटेंस जब ऐसे शब्दों से जुड़ा होता है, जैसे कि या तो या, इसकी ऐदर और मैं सिखाऊँगा। इसका हिंदी मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, या तो या, याद रखिएगा, या तो या हिंदी सेंटेंस में आता है तो उसमें हम ऐदर और का यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस मैं आप ले रहा हूँ, पहला सेंटेंस है या तो हम या सोनू राम को बताएगा। ये मेरा पहला सेंटेंस है। इस सेंटेंस को मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप इसे इंग्लिश में बना पाएँ, समझ पाएँ। तो मैं सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ऐदर वी और सोनू विल टेल राम। तो इस सेंटेंस मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया, एदर वी और सोनू विल टेल राम, ये इंग्लिश में बनाया हमने। इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आपके सामने, जिससे कि मैं आपको और अच्छा समझा सकूँ। या तो रवि या मोनू ने मेरा पेन चुराया है, ये एक हमारा सेंटेंस हिंदी में है। तो देखिए आप स्क्रीन पर आपके है, या तो रवि या मोनू ने मेरा पेन चुराया है, इसको इंग्लिश में बनाते हैं। तो इंग्लिश में बनेगा ये, एदर रवि और मोनू हैज स्टोलन माय पेन। ये टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ किया गया, आप बताइए। बस एदर और मैं आपको सिखा रहा हूँ इसमें, इस वीडियो में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जिसे कि आपको ट्रांसलेट करना है। ये स्क्रीन पर आपके चार एग्जांपल दिए हुए हैं, इसे आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो ट्रांसलेट कीजिए, वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके आंसर बताऊँगा। हमें सेंटेंस बनाते वक्त सेंटेंसों के सेकंड सब्जेक्ट जो है उसे ध्यान देना है, उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। तो देखिए स्क्रीन पर सेंटेंस आते हैं। ऐदर मोनिका और राधा टीचेस हिम, टीचेस आया राधा के अकॉर्डिंग। ऐदर यू और योर ब्रदर इज स्टूपिड, योर ब्रदर इज स्टूपिड, ध्यान देना। ऐदर आई और यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। एदर सीता और सीताज मदर हैज कम, सीताज मदर हैज कम। अगर बच्चों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो ला सकूं।